ऊपर नहीं मिली इस एरिया में, तो अब मैं रक्षे में आ गया, मेरे को लाहौर में आओ तो यहाँ पे रक्षे में बैठना पड़ता है, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ से मैं आपको भी दिखाता हूँ रक्षे का कैसा होता है। तो गाइस दादा साहब हम आ गए हैं लाहौर में, तो आप पीछे देख रहे हैं चादरें, पहले मैं सोचो एक चादर ले लूँ जो हमें ऊपर चढ़ानी है, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। ये देखें दादा साहब के रोड के साइड पे कितना ट्रैफिक होती है, और यहाँ से नजर जाते हैं पहले चादर लेंगे फिर बाकी देखते हैं निज़ाम क्या करते हैं। ये दरबार की सब दुकान है, यहाँ से दरबार शुरू होता वो है सामने दादा दरबार। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे चादरों का दर्शन करते हैं कुछ। ये अब आ गए चादर में, देखते हैं जब यहाँ से ले लेता हूँ फिर वहाँ जाके उठा। गर्मी होगी यहाँ पे, मैंने तो सर्दी हो गई है, मैं जैकेट पहन रहा हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में तो सर्दी थी, तो ये कि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। तो अब जा रहा हूँ अंदर, वहाँ से उधर से जाना है बाहर अंदर, आपको दिखाएंगे सारा। इधर ले रहे हैं हम साथ फूल भी और ये भी डालेंगे तब। तो गाइस इंटर हो गए दरबार में, बिक्यू हो गया, ये ट्रैक होता है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सारा आगे भी। ये आगे यहाँ जूतियाँ गठी करवाते हैं, जमा करवाते हैं जूतियाँ। तो गाइस अभी हमने जूतियाँ जमा कराई और अब हम जा रहे हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ वज़ू किया है, ज़ाहिर बात है दरबार पर जाओ तो वज़ू करके जाना पड़ता है, तो आए मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ दरबार का। तो ये रही चादर, चादर डाली, अब ये ली, अब ये नहीं पता अंदर हमें वीडियो बनाने देंगे या नहीं, मसला ये है। अच्छा तो अब मैं थोड़ा पास से आपको यहाँ सारा व्यू दिखाता हूँ। अब चलते हैं दरबार की तरफ। ये देखें माशाल्लाह ऊपर देखें कबूतर बैठे हैं, जो हमेशा यहीं बैठे रहते हैं। पीछे आई थिंक इसके इनके दरबार के पीछे साइड में मस्जिद है जी। हाँ ये देखें लोग कैसे सोए हुए हैं यहाँ पे, जिनका ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, यहाँ पर आके सो जाते हैं। हाँ जी मोबाइल में संभाल लूँगा, अब ये नहीं पता अंदर वीडियो बनाने देंगे या नहीं। वीडियो के प्राण अच्छा बता दूँगा, तो चलते हैं। गर्मी इतनी, मैं ऐसे ही लेकर आ गया यहाँ पे, अब ये कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये आगे दरबार, दादा दरबार में। हाँ जी देख रहा हूँ, इधर है ना, यहाँ से अंदर है। हाँ जी जा रहे हैं, डाल सकते हैं ठीक है, अब तो चला जाए अंदर फेर दे ना, और कोई है अभी पट फेर दे अंदर नहीं आ अंदर नहीं हो रहा क्या किधर आया इस्लाम बात में आया टोपियां लगा जी टोपियां लगा तो बस। ये देखें बाहर का व्यू यहाँ से दादा दरबार का, ये कबूतर बैठे हैं, वो जो है ना वो सामने मस्जिद है बहुत बड़ी दादा साहब की। तो अभी हम गए थे अंदर दुआ शो मांगने, किसका सोने का दरवाजा, वो अच्छा आए तो देखते हैं किधर है। ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सोने का दरवाज़ा बना हुआ है, ये ओरिजिनल सोना है, ये पूरा दरवाज़ा बना हुआ है।
दुआ मांगने गए थे और अंदर किसी को जाने नहीं देते दरबार के अंदर, तो हमें इन्होंने अंदर जाने दे दिया। तो अल्लाह ये कि हमारी आर्ज़ी कबूल फरमाया, हम ये दुआ करते हैं तो जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो जाए अल्लाह से। और यह मैंने उन्हें दिया है तो कब्र की चादर दी है, फूल दिए हैं, कहते हैं अपने घर में रखो इससे बरकत होगी। तो यकीन तो है हमें, ओबियसली ऑफकोर्स यकीन है, तभी तो यहाँ पर आए हैं। तो जिस मकसद के लिए हम आया था वो पूरा हो गया, शुक्र है। यही मेरा मेन मकसद था, चादर डालनी थी, अपने लिए दुआ मांगनी थी और दुआएं सबके लिए मांगनी थी। तो ये कि अब हम हाँ, लेकिन ये कि अंदर गए हैं, पहली बार गए हैं, वो इन अंदर जाने नहीं देते है ना। फर्स्ट टाइम हमें अंदर दरबार के अंदर जाने दिया, लेकिन पैसे ले लिए ना, ठीक है, दरबार में खड़े होकर पैसे मांग रहे हैं, ले रहे हैं हमसे पैसे, लिए 1000 रुपये 800 ऐसा मांगा है, तो हमने पैसे दे दिए हैं। लेकिन चलो इसलिए दिए क्योंकि हमें अंदर इन्होंने जाने की इजाज़त दे दी है। सब लोग बाहर खड़े हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई जा ही नहीं सकता। तो ये बड़ी बात है कि हम इतने दूर से हैं, हमें अंदर दरबार में कब्र को आग लगाने की इजाज़त मिली है। तो ये है कि अब यहाँ से अब जाएँगे हम बादशाह मस्जिद, देखते हैं। अब यहाँ बैठे थे तो चले, मैं शूज़ों वाली जगह पर जाता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। बात यह है कि दरबार के अंदर कोई भी नहीं जाता, ठीक है, जो होते हैं ना, चले मैं आप, अच्छा जो होते हैं ना बड़े लोग, ठीक है, उनको अंदर दरबार के अंदर दाखिल होने देते हैं क्योंकि उनको पता है वो पैसे दे के जाएंगे। तो हमें भी उन्होंने इसी वजह से अंदर जाने दिया। दरबार के अंदर बहुत बड़ी बात है, आज तक नहीं जा सके, कभी नहीं गया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम अंदर गया। तो ये है कि चलें, बहुत अच्छा सुकून मिल गया, कब दरबार पर खड़े होकर सही प्रॉपर दुआ मांगी। आगे शूज़ों की जगह पे शूज़ लेते हैं और फिर चलते हैं। तो लास्ट व्यू जाता है दरबार का, अब संगियों चलते हैं बाहर, भूख लग गई है, नाश्ता नहीं किया, कुछ खाते हैं फिर आगे देखते हैं जाने के सोच। यहाँ पे ऊबर और ड्राइवर तो नहीं मिल रही, इसलिए हमने किया है अच्छा जो हम जा रहे हैं बादशाह मस्जिद, अल्लाह करे वो भी वहाँ पर ओपन हो जिस मस्जिद के लिए मैं जा रहा हूँ। हुआ ये कि रक्शे वाले की गैस खत्म हो गई, तो कहते वो सामने बादशाह मस्जिद, तो कहते यहाँ से रोड क्रॉस करके चले जाए, रोड क्रॉस करने लगे, फिर आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, फिर अगर टाइम बचा तो मीनारे पाकिस्तान भी जाऊँगा, वहाँ भी दिखाऊंगा। तो गाइस अब आ गए हम पार्क के अंदर, मीनारे पाकिस्तान का पार्क, लेकिन पहले हम जाएँगे उधर मस्जिद में, बादशाह मस्जिद में, वहाँ से फ्री होके उसके बाद फिर उधर जाएँगे देखने के लिए। तो पहले उधर चलते हैं, थोड़ा पास पहुँच जाऊँ देर, फिर मैं आपको दिखाऊँगा सारा। वो सामने मस्जिद है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं रिफ़्रेशमेंट में, यकीन में नाश्ता नहीं किया हमने, कहा पहले कुछ खा लेते हैं फिर। तो ये बिरयानी है यहाँ से मंगवा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, नाश्ता नहीं किया सुबह से, और देखें रंग थोड़ा डल हो गया, मुँह नहीं धोया और इतने सब लग गया, फिर बाहर जाके रोटी भी खाएंगे, देखते ये खा लेते हैं। ये देखें बिरयानी आ गई है, मैं खाता हूँ पहले, थोड़ा सा सलाद डालते हैं इसके अंदर, ये लें बाकी आप डाल लें सलाद, अच्छा ठीक है मुझे तो वो छोटी ले, वो ये सेम ही है, नहीं ये ले रहे नहीं रेडी है, मसाला है मसाले के साथ, सारी चटनी डाल दी, ओए होए जबरदस्त। तो ये मैं आपको खा के दिखाता हूँ,
कराची बिरयानी होती है, लाहौर की बिरयानी है ज़बरदस्त। सो गाइस अभी खाना खा के निकले तो अब जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं हम बादशाह मस्जिद, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ से पहले। ये देखें जी बादशाह मस्जिद, हिस्टोरिकल प्लेस लाहौर की देख सकते हैं। और दूसरी साइड पे एक शाह किला भी है, तो देखते हैं वहाँ भी जाएँ या ना जाएँ, टाइम मिला तो जाएंगे। और आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त व्यू है, ये रहा सिखों का गुरुद्वारा। फ्रंट से जाऊँगा ना, ये सामने अभी भी यहाँ पे सिख होते हैं और अपना निज़ाम कंटिन्यू करते हैं। ये गुरुद्वारा, तो ये देखें आप रश, यहाँ पे स्कूल्स की ट्रिप्स आई हुई हैं, स्कूल की ट्रिप्स आई हुई हैं, तो हाँ दिखाता हूँ। ये रहा गुरुद्वारा, अभी भी जाते हैं फिर आगे चलते हैं। ये है शाही किला, यहाँ पे पुराने ज़माने में के बादशाह जो होते थे वो इधर अपने डेरे रखते थे। और अंदर जाएंगे वहाँ से, वहाँ पे है बादशाह मस्जिद। तो ये क्या, अब हम चलते हैं अंदर, अभी शाही किला में अगर टाइम मिला तो यहाँ अंदर जाएंगे, नहीं तो पहले हमने जाना बादशाह मस्जिद और वहाँ देखते हैं वहाँ का निज़ाम कैसा है, क्योंकि स्कूल की ट्रिप्स बहुत आई हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा है। ये है मेन गेट शाही किले का दरवाज़ा, और ये बादशाह मस्जिद का दरवाज़ा। चलते हैं अंदर, बहुत चल रहे हैं यार, उस टाइम से हम चल रहे हैं, थक गए। ये रहा मेन किला, बाकी चीज़ों की तो वीडियो बनाता रहा, तो अपनी भी मैंने कहा बना लो थोड़ी आप देख लें, जिसने मुझे नहीं देखा वो भी देख ले एक बार। यहाँ पे लामा इकबाल की कब्र भी है, उधर भी जाएंगे देखते हैं आपको। तो पहले जो बादशाह मस्जिद का मेन गेट है वो तो दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊँगा। ये रहा बादशाह मस्जिद का गेट, जब हम जाते हैं इंशाल्लाह ऊपर फिर आपको दिखाऊंगा। कब रखे हैं बड़े बड़े, तो ये मेन गेट है शाही किला का, आगे से फ्रंट से क्लियर दिखाता हूँ। अब आपका सही क्लियर हो, ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़ी है, ये तो खाली मेन डोर है, क्योंकि सामने शाही किला था, और वो जो नज़र आ रहा है ना, ये अलामा इकबाल का नज़ारा है।